8 अक्टूबर को दिल्ली के विज्ञान भवन में 70वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह का आयोजन हुआ, जहां राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने विजेताओं को पुरस्कार से सम्मानित किया। भारतीय सिनेमा के लेजेंड एक्टर मिथुन चक्रवर्ती को दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इसके अलावा तमाम सितारों को नेशनल अवार्ड मिला, जिन्होंने बताया कि अवार्ड अपने नाम करने के बाद वे कैसा महसूस कर रहे हैं। करण जौहर और अयान मुखर्जी को फिल्म ब्रह्मास्त्र के लिए बेस्ट फिल्म इन AVCG एनिमेशन विजुअल इफेक्ट गेमिंग एंड कॉमिक का अवार्ड दिया गया। बस वी आर वेरी एक्साइटेड कि ब्रह्मास्त्र को इतने सारे ऑनर्स मिल रहे हैं, अवार्ड्स मिल रहे हैं। वी आर हियर टू रिसीव इट वेरी हम्बली एंड बहुत बहुत एक्साइटमेंट के साथ, और बहुत सारा गर्व है हमारे दिलों में। देखिए, बहुत ही बड़ा रोल है और हमेशा रहा है, लेकिन मैं कहूँ कि इंडियन सिनेमा का बहुत बड़ा रोल है ऑन द ग्लोबल मैप ऑफ सिनेमा। जस्ट फीलिंग वेरी गुड टुडे, वेरी हैप्पी, हम्बल, ऑनर्ड टू बी हियर एंड लेट्स होप वी हैव अ नाइस अवार्ड सेरेमनी। प्रीतम को फिल्म ब्रह्मास्त्र के लिए बेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर का अवार्ड मिला। बहुत खुश हूँ, सब लोग इधर है और अच्छा लगता है हमेशा। नेशनल अवार्ड इज गेटिंग फ्रॉम द प्रेसिडेंट इज वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। बहुत अच्छा लगा है, बहुत मतलब ऑब्वियसली देखिए सबसे इम्पोर्टेंट कि प्यार मिलता है तो अच्छा लगता है, किसको अच्छा नहीं लगता है। हम कम काम के टाइम बहुत शिद्दत के साथ करते हैं, प्यार के साथ करते हैं, और लोगों का जब जब लोगों को अच्छा लगता है, हमें प्यार मिलता है तो बहुत मजा आता है। बस हर अवार्ड देखिए हर काम के साथ अवार्ड तो कभी सोचते नहीं, बट अगर मिलते हैं तो अच्छा लगता है। विशाल भारद्वाज को फिल्म फुर्सत के लिए बेस्ट म्यूजिक डायरेक्शन का नेशनल अवार्ड दिया गया। बहुत ही खुशी है, आई थिंक इससे बड़ा कोई एक सम्मान नहीं है हमारे देश में, और ये जब भी मिलता है दिल बाग बाग हो जाता है। शर्मिला टैगोर और मनोज बाजपेयी स्टारर फिल्म गुलमोहर को बेस्ट फिल्म इन हिंदी का नेशनल अवार्ड मिला है। आई थॉट इट वॉज अ वंडरफुल एक्सपीरियंस, वंडरफुल the way Dada Saab Phalke, I mean Mithun Chakraborty spoke so well, it just I just went and embraced him because he really inspired me, and it was straight from the heart and his lived experience. He really made the show, and of course Gulmohar got the best dialogues and best film, and we worked so hard for Gulmohar and we were very happy, and I thought the entire function was done so well and so precisely, and everybody coming on time, and it was very well orchestrated and made me very proud to see the whole thing, and so I'm going back very happy with wonderful memories. The Gulmohar mein to nahi problem tha kyunki Gulmohar सबको पसंद आया, एंड इट वॉज डिड वेरी वेल, अभी भी चल रही है OTT प्लेटफॉर्म में, एंड हर कोई, हर जेनरेशन, एवरीबडी हैज लाइक्ड इट वेरी वेल। सो आई थिंक इफ यू मेक अ फिल्म दैट स्पीक्स टू यू, लाइक मिथुन जी टुडे स्पोक टू अस, अगर आप यू कनेक्ट विद द पीपल, इट विल डेफिनेटली वर्क। अगर आप ऐसे बनाए वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, फिर वो कैसे जनता को कैसे पसंद आएगी ना। AR रहमान को फिल्म पोनियन सेल्वन 1 के लिए बेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर बैकग्राउंड म्यूजिक के अवार्ड से सम्मानित किया गया। दिस अवार्ड इज स्पेशल बिकॉज दिस इज माय 7th नेशनल अवार्ड, द फर्स्ट वन बीइंग रोजा इन 1992, दैट टू विद मिस्टर मणिरत्नम, दिस इज अगेन विद मिस्टर मणिरत्नम, एंड सो व्हेनेवर आई वर्क विद हिम इट्स वेरी स्पेशल, ही गेट्स द बेस्ट ऑफ आउट ऑफ ऑल ऑफ अस, एंड सिंस द नेशनल अवार्ड एंड I'm really proud of it.